Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Yes, students. Now, today's video, we are going to start our chapter number 3, that is flowers and fruits. Chapter number 3, that is flowers and fruits. Yes, students, in this chapter we will learn about flowers, different type of flowers, and fruits, different type of fruits. Okay, students, now start chapter number 3. Yes, flower is a colorful and beautiful part of a plant. Flower, colorful, sabhi flowers jo hote hain कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और फ्लावर्स जो हैं सबको बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं. इट जनरली हैज़ अ प्लीजेंट फ्रेगनेंस. और फ्लावर्स की जो खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है. हमें बड़ी खुशबू फ्लावर्स की बहुत अच्छी लगती है. मोस्ट फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स. सम फ्लावर्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव कलर्स बट दे हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स के जो हैं अलग अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ओके, एंड सम फ्लावर्स जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं लेकिन वो अट्रैक्टिव कलर नहीं होते. ओके स्टूडेंट्स, बट उनकी जो फ्रेगरेंस होती है, उनकी जो खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत अच्छी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, चंपा, मोतिया एंड चमेली आर सम ऑफ द सच फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. चंपा के फ्लावर्स, मोतिया और चमेली के फ्लावर्स ऐसे हैं जो वाइट कलर के होते हैं, जिनका कोई अट्रैक्टिव और कोई कलर नहीं होता कि जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, वाइट कलर के होते हैं. बट उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है. ओके स्टूडेंट्स, अ फ्लावर्स डेवलप फ्रॉम अ बड. फ्लावर्स किससे बनते हैं? फ्लावर्स बनते हैं बर्ड से. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्ड, कली जिसे हम बोलते हैं, जिससे फ्लावर ग्रो करता है, जिससे फ्लावर बनता है. ओके स्टूडेंट, दिस पार्ट इज नोन एज बर्ड. फ्लावर जो है वो बर्ड से बनते हैं. द बर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप. द बर्ड ऑफ अ प्लांट इज जनरली कवर्ड विद ग्रीन लीव्स. दीज लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड and help it to bloom into a flower. ब्लर किस फ्लावर किससे बनते हैं? बर्ड से बनते हैं. और डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज के बर्ड होते हैं. किसी का बर्ड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है. जैसे इसका राउंड शेप में है और ये लॉन्ग शेप में बर्ड है. ओके, दिस इज ऑल्सो इन राउंड शेप. तो डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट बर्ड होते हैं और उनकी शेप भी अलग होती है. एंड बर्ड्स ऑफ ए फ्लावर इज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, जस्ट लाइक दिस. दिस इज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स. क्लियर स्टूडेंट? एंड दीज लीव्स प्रोटेक्ट. ये जो लीव्स हैं ये इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जस्ट लाइक दिस. दीज लीव्स protect birds. Leaves protect the birds and help it to bloom into a flower. और इसकी help करते हैं so that ये flowers में convert हो जाए. Now I will show some pics of birds and flowers. Okay students, you have to see very carefully. Yes students, these are the pictures of some birds. This is the bud of rose plant. Okay student, this is the bud of rose plant. This is the bud and this is the rose flower. And next bud, it's also a bud. Clear student? And this bud is of this flower. Clear? And now next bud is your bud. This is your bud and this bud is of
this flower. Clear students, these are the some pictures of bird and their flowers. Okay students, now flowers have different shape and size. Flowers have different shape and size. Some flowers are like a plate or bowl and some are like a brush. Some whereas others bloom in bunches. Flowers जो होते हैं उनकी shape और size जो होता है वो different होते हैं. कुछ bowls हमें लगते हैं just like a bowl, जैसे bowl होता है, कटोरा होता है. और कुछ flowers हमें लगते हैं just like a brush, brush की तरह. And some flowers bloom whereas other bloom in bunches. कुछ flowers ऐसे होते हैं जो single bloom करते हैं, means एक ही flower लगता है. और कुछ flowers ऐसे होते हैं जो bunch में, जो गुच्छे में bloom करते हैं. Bloom means खिलना. What is the meaning of bloom? खिलना. And what is the meaning of bunches? गुच्छा. ठीक है, bunches गुच्छा, फूल का गुच्छा. छोटे छोटे फूल होते हैं, छोटे छोटे flowers होते हैं, उनका गुच्छा बन जाता है. ठीक है, बाउल होते हैं कटोरा और प्लेट आपको पता ही है, डेट इज द प्लेट. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच बन जाता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ बंच ऑफ फ्लावर्स. क्लियर. और जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट जो होता है वो सिंगल ही ब्लूम करता है. क्लियर. नाउ फ्लावर्स मेक फ्रूट, फ्लावर्स मेक फ्रूट. फ्लावर्स से क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं. एंड द मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बियर सीड्स, और सभी फ्रूट्स में से सीड्स निकलते हैं. दीज सीड्स इन टर्न कैन ग्रो मोर प्लांट्स, और इन सीड्स से और ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स में सीड निकलते हैं, और सीड से हम और प्लांट लगा सकते हैं जिनमें और ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो खिलेंगे, ब्लूम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी इज ऑब्जर्व एनी बर्ड. किसी बर्ड को आपने ऑब्जर्व करना है, आपके नियर अबाउट जो भी प्लांट है. फाइंड एंड राइट टू डिफरेंस बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर, और आपने टू डिफरेंस राइट करने हैं बिटवीन अ बर्ड एंड अ फ्लावर. फ्लावर और बर्ड में क्या डिफरेंस है? जिस प्लांट को आप देखोगे वहाँ पे जो फ्लावर लगा हुआ है और उसकी जो बर्ड है, आपने सेम प्लांट के, उसी प्लांट के, जैसे रोज़ का प्लांट अगर आप देखते हो तो रोज़ की ही आपने बर्ड देखनी है. तो बर्ड और फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है? यू हैव टू राइट टू डिफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.